नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलबट्टा कुक में। आज बनाते हैं साबूदाना टिक्की। इसे आप नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं और व्रत वाले दिन भी अच्छे से इसको खा सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 घंटे तक भिगोया हुआ साबूदाना लिया है। इसके बाद कुछ उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम हाथ से इस तरह से मैश करके डाल देंगे। इसके बाद इसमें भुना हुआ मूंगफली दाना डालेंगे, इसे मैंने मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसके बाद इसमें कुछ हरी मिर्चें लेंगे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हल्के तीखेपन के लिए, इसमें डाल रहा हूँ नमक स्वादानुसार और साथ में इसमें डालेंगे हरा धनिया। इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद इसके छोटे छोटे पोर्शन लेकर के हमें इसकी टिक्कियाँ बनानी है। रेसिपी देखते देखते दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से आपको टिक्कियाँ बना लेनी है। हाथ में थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा के रखें। मैंने कुछ टिक्कियाँ तैयार की है, थाली में मैंने थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर दिया था ताकि ये टिक्कियाँ थाली में नहीं चिपके। अब तेल को अच्छे से गर्म करते हैं और गर्म तेल में हम ये टिक्कियाँ डाल देंगे। टिक्कियों को डालते ही ध्यान रखिए दोस्तों, आपको इसमें कलछी नहीं लगानी है। इनके ऊपर थोड़ा सा क्रस्ट आने देंगे। जब ये ऊपर से थोड़ी सी कड़क हो जाए या इनके ऊपर एक क्रस्ट आ जाए, उसके बाद ही इनको हम पलटना शुरू करेंगे। शुरू में ऐसा लगेगा जैसे चिपकी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे पकेगी आपस में ये छूट जाएगी। एक एक टिक्की को हम धीरे धीरे इस तरह से पलट देंगे। टिक्कियों को आपको तेज से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। कम आंच पर इसे फ्राई नहीं करें, वरना इसमें तेल भर जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हमने शुरू में टिक्कियाँ तेल में डाली थी तो वो डूब गई थी, और अब आप देखेंगे कि सारी की सारी टिक्कियाँ तेल में ऊपर तैर रही हैं, मतलब कि ये सिकने वाली है। बस इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आने दीजिए और उसके बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। सारी टिक्कियों को हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब इन टिक्कियों को आप किसी के भी साथ, चाहे तो सॉस, चाहे तो नारियल की चटनी, चाहे तो हरी चटनी, किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। नाश्ते के तौर पर खाइए या व्रत वाले दिन खाइए और इसका मज़ा लीजिए।